इतने रहम करने वाले, इतने प्यार करने वाले मम्मी पापा बनाए। और तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इतने अच्छे बहन भाई बनाए। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमारे लिए नबी और इमाम बनाए। तमाम दुरूद सलाम हो इन अम्बिया पर जिनके आखिरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और हमारे सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी के आखिरी बेटे जो आज भी मौजूद हैं और हमारी हिदायत कर रहे हैं। आज हम जिस इमाम पे जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे वो है कौसर। अनकिया सबसे छोटा सूरा है और इसमें तीन आयतें हैं और ये दो बार नाज़िल हुआ, एक मक्के में और एक मदीने में। सलवात। ये सूरा जब नाज़िल हुआ, जब रसूलल्लाह के बेटे अब्दुल्लाह की वफ़ात हो रही थी, तो मक्के के काफ़िर रात को वे औलाद होने का ताना देते रहे, तो लोग कहने लगे कि इन्हें बोलने दो जो कह रहे हैं, क्योंकि इनका बेटा तो नहीं तो ये इनका दीन इनके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। जब आपको ये खबर मिली तो आप बहुत नाराज़ हुए और आप बहुत ज़्यादा गमगीन हुए। जिब्राइल आए और बोलने लगे, ए रसूल, हमने आपको कसर दी, हमने परवरदिगार की नमाज पढ़ें पानी करें, बेशक बेशक आपका दुश्मन में औलाद रहेगा। इस सूने में लफ्ज कौसर आया है कि मुझे मुफस्सरीन ने बहुत सारे मायने बताया। नेमतें और कौसर, उम्मत की कसरत और खैर कसी, और पाक नंबर जो चीज़ बताई है अमत तक तो बाकी रहने वाली नस्ल रसूल खुदा। पाक नंबर जो चीज़ बताई है अमत तक तो बाकी रहने वाली नस्ल रसूल खुदा। नाम फातिमा हर मर्ज को जला देता है, मुश्किलों को खुद मुश्किलों में डाल देता है। नाम फातिमा से नमियों की मुश्किलें हल हो, नाम फातिमा को हसनैन को भी शिफा देता है। फातिमा तो हसनैन को भी शिफा देता है। तो जिब्राइल ने कहा कि आप लोगों की बातों से ना अल्लाह आपको कौसर देगा। कौसर यानी फातिमा जहरा रसूल अल्लाह की नस्ल तक रहेगी। सलवात को न सिर्फ नात के औलाद की खुशखबरी दी, बल्कि ऐसी औलाद की पूरा खास पर कोई सूरज है, कोई चांद है, कोई सितारा है, कोई हसन है तो कोई हुसैन है, किसी की किताब जो ज़बूर आले मोहम्मद है, कोई मसद को नौरानी कर दिया और किसी ने काजमैन और सामर्रा को रोशन किया, किसी ने करबला को मौजला बना दिया। सलवात। फातिमा को अल्लाह ने बहुत सारे इमाम नाम, उनमें से कुछ बहुत अहम है। फातिमा की किताब सहीफ़ फातिमिया शहर खरील अश्तो बेटी बनी है, मरियम का ए आपके ग्यारह मसीह है। हर औरत में कोई नक्स होता है, कमी होती है। फातिमा को ऐसा बनाया कि आप में कोई कमी नहीं थी। बात मेराज की हो तो बेटे को आधा और बेटे को पूरा हिस्सा मिलता है। खुदा ने रसूल अल्लाह को सिर्फ फातिमा एक बेटी दी, तो आगे पूरी 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 मेरा से रसूल अल्लाह माँ को मिल जाए। बेटे अल्लाह की रहमत होती है, अगर बाप रहमतुल आलमीन हो तो उसकी क्या क्या कहना। उनकी बेटी फातिमा उनके लिए भी रहमत है। मौला अली का ले ईमान है, कुल ईमान का भी आधा ईमान है। और अगर बात बेटों की हो तो हसन और हुसैन दोनों को सरदार है, दोनों को मोमिन है।
एक माँ अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती है, वैसे ही फातिमा जहरा भी अपने बाबा का बहुत ख्याल रखती थी सलवार। तो इसलिए रसूल अल्लाह ने कहा कि फातिमा मेरी माँ की तरह है। एक बच्ची मुझे और याद आ रही है जिसका नाम सकीना है। के बगैर खेमे में बैठी है, बच्चे बहुत प्यासे हैं। एक बार हुसैन की आवाज आई तो अली असगर ने खुद को जोड़े से गिरा दिया। फिर इमाम हुसैन खेमे में आए तो सकीना ने कहा, बाबा अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। तो इमाम हुसैन ने कहा, इसे प्यास लग रही है तो इसे लाओ मुझे दे दो। सकीना ने अली असगर को गोद में उठा के बाबू को दे दिया। तो इमाम हुसैन ने, तुम हुज्जत खुदा के बेटे हो, अपनी हुज्जत को पूरा करो। तो अली असगर ने टंग बाहर निकाली यानी कि जबान। तो जालिम फेर फेर के रोने लगे। अली असगर की जबान प्यास से नीली हो रही थी। तो जालिमों ने, मौला हुसैन ने फरमाया, अली असगर के बहाने मैं पानी पी लूँगा, तो मैं इसे ज़मीन लिटा रहा हूँ, तुम खुद आओ इसे पानी पिला के चले जाओ। अली असगर जल्दी ज़मीन पे लेटा रहा लेकिन कोई पानी पिलाने नहीं आया। मौला ने अपने कमसिन बच्चे को गोदी में उठा लिया, उनको दिखा कर कहा, देखो इसकी जबान भी ऐठी हुई हुई है, जिस्म भी ना पर गया है, थोड़ा सा पानी पिला दो। लेकिन जालिमों ने पानी के बजाय ऐसा तीर मारा जो जानवरों को मारते हैं, वो तीर चलाया। तो फिर वो तीर जाके अली असगर के गले पे लगा तो खून थोड़ा सा निकला। तो हुसैन ने आसमान की तरफ देखा तो आसमान ने कहा, मुझे खून ऊपर आ गया तो मैं कयामत तक बारिश नहीं करूँगा। तो फिर मौलाना नीचे देखा तो फिर ज़मीन ने कहा, नीचे फेंकेंगे तो मैं कभी भी फल और फूल नहीं उगाऊंगी। कहा, आसमान को है राजी ज़मीन नहीं, असगर को तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं, क्या करें। तो उन्होंने तो खून अपने ढारी पर लगा लिया और नाना से बोला कि मैं इसे खून वाली धारी से आऊँगा, आपको बताऊँगा कैसे मेरे बच्चे को मारा था। तो फिर इमाम हुसैन बच्चे को लेकर घरों के पीछे आए, नन्ही सी कबर खोद के अली असगर को गाड़ के सभी उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के, अल्लाह लाना तुल्ला है।